Hello everyone, welcome to CBSE Specialist. This is CA Archana Mittal. In this tutorial, we are going to study about some of the items which will be debited or credited to profit and loss appropriation account in case of partnership firm. This is an extension of earlier video on profit and loss appropriation account. Few items are salary and commission. Hum sabko ye pata hai ki salary ya fir commission दोनों ही appropriation of profit हैं for any partners. तो इनका treatment profit and loss account में कैसे होता है? Salary दो तरीकों से दिया जा सकता है. या तो आपको per month की salary दे दी जाएगी. If salary is given per month, suppose X is given a salary of 10,000 per month, तो आपको yearly convert करने के लिए 10,000 into 12, 1,20,000 will be salary which will be debited to the profit and loss appropriation account and will be credited to the partner. In case salary per annum diya gaya hai, so that will be, suppose an example, X is given a salary of 10,000 per annum. So profit and loss appropriation account mein 10,000 rupees debit ho jayenge aur partner capital, X's capital will be credited with 10,000 rupees. Commission. कमीशन भी दिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मे बी 20,000-30,000 आपको अमाउंट ही दे दिया जाएगा तो डायरेक्टली वो अमाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट आ जाएगा. बट इफ़ कमीशन इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट तो उसमें दो केसेस बनते हैं. एक परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे रट लेते हैं बट दे डोंट गेट द एक्चुअल मीनिंग बिहाइंड दिस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कम्प्लीटली. जनरली कमीशन जो होता है वो परसेंटेज सेल या फिर परसेंटेज परचेज या फिर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट पर होता है. सो अगर केस ऐसा दिया है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो उस केस में क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लेते हैं इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 करते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका मतलब ये है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब ये होगा जो नेट प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस प्रॉफिट पे मैंने अभी तक कोई कमीशन चार्ज नहीं किया है. इस अमाउंट पे मुझे कमीशन चार्ज करना है और उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. इन केस टू व्हेन इट इज़ गिवन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा अमाउंट मिलेगा टू द पार्टनर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट उसका परसेंटेज नेट प्रॉफिट, उसका परसेंटेज कमीशन होगा. इन दैट केस नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज टेकन विच इज़ डायरेक्टली रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन टू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ दैट कमीशन. इसको हम और अच्छे से इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं. एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म. एक्स इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ एंड ऑल्सो अ कमीशन ऑफ 10% of net profit before charging any commission. So that means it is falling under first case, before charging such commission. If I then, Y is to get a commission at the rate of 10% on net profit after charging such commission. That means it is falling under the second case. The profit and loss for the period before charging salary and commission was rupees 3 lakh. Show appropriation of profit. So what are we going to make? Appropriation or net profit hume de diya gaya hai 3,30,000 ka. So we'll prepare profit and loss appropriation account. The format should be strictly followed for the exams. The first item that we got was salary to X.
as it is given clearly in the question ki salary to excess 10,000 per month. So 10,000 into 12 rupees 1,20,000 x ko salary milegi. So this is an appropriation of profit which will be debited to the profit and loss appropriation account to excess salary account 1,20,000. This is very clear. Now coming to the second point, where X is to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. So whatever the net profit is there, this is our net profit in this given sum, 3,30,000. Is 3,30,000 ka 10% X ko milega as commission. Iska matlab ye hai, net profit before charging commission. Is 3,30,000 ka 10% milega. Abhi tak isme maine koi bhi commission charge kiya nahi hai. Is 3,30,000 ka 10% mein X ko de dungi as commission. Y ko kitna commission milna tha? Y is to get a commission at the rate 10% on net profit after charging his commission. Usko net profit ka percentage to 10 hi hai, Y ka bhi. Lekin is case mein kya hai? After charging his commission. Matlab ki profit ka usko 10% milega, but kaun sa profit hoga ye? The profit which is available to the partners for distribution as profit to them. So suppose, agar main ye method follow karti hoon, to mujhe as formula mil jayega 3,30,000 into 10 by 100 plus rate of interest. So 100 plus rate of interest was 10, it comes to 3,30,000 into 10 by 110, which comes to 30,000. Ab aap dekhiye, 3,30,000 mein se 30,000 minus karein, that comes out to be 3 lakh. Us 3 lakh ka agar aap 10% nikalte hain, so that comes out to be 30,000. So abhi maine jo ye commission diya hai, ye jo 3,30,000 hai, isme do element hai, ek commission aur ek net profit. Jitna net profit partners ko available hoga distribution ke liye, is case mein kitna available ho raha hai? 3 lakh available ho raha hai. Uska 10%, yani 3 lakh ka 10% Y ko as commission milega. In the earlier case of X, 3,30,000 was the net profit. Profit available to the partners, agar commission hum is form mein dete hain, is not 3 lakh, but 2,97,000. 2,97,000 ka agar aap 10% lete hain, toh wo 33,000 nahi aayega. Wo aayega 29,700. So, yahan pe ye difference aata hai. In case of after charging such commission, matlab profit jitna bhi distribution ke liye milega partners ko, uska 10% commission milega. Aur yahan pe before charging such commission ka matlab hai, jo bhi net profit hai, uska 10% is partner ko milega as commission. I hope the difference between before charging such commission and after charging such commission is very clear from this. Moving to next item of P&L appropriation, which is interest on drawings. Again, this is very important part. Interest on drawings can be charged against profit, can be charged against capital. For example, in fixed capital account method, humne dekha tha ki do account prepare hote hain kisi bhi partner ke liye. First one is the capital account. Second one is the current account. अगर मैं interest on drawings या drawings अगर मैंने की हैं and that is charged against profits of the firm, that is जो भी मेरा net profit रहा है उस net profit के against में मैंने drawings की हैं, तो उसके against उस case में तो मुझे interest on drawings charge होगा. But अगर मैंने capital के against drawing की है, that means I have withdrawn capital from my firm, यानी कि ये capital account में debit हुआ होगा. In that case, no interest will be charged. Again, I'll repeat this thing. Suppose, mera drawings jo hain, wo against profit hai. Yani ki current account mein meri drawings jo hain, wo debit hui hain. In that case, interest on drawings will be charged to a partner, which will become income for the business and expense for the partner. But agar meri drawings against capital hain, that is, wo capital account mein aati hai, current account mein nahi aati hai,
in that case that is considered to be withdrawal of capital, और withdrawal of capital के लिए interest on drawings नहीं charge होता है, उसमें आपका capital ही कम हो जाएगा और interest on capital जो है वो आपको कम मिलेगा. Let us see this with one example. During the year, a partner drew rupees as follows. उस एक partner ने इस तरीके से drawings की हैं. ये फॉलोइंग तरीके से ड्राइंग की है. अगर इस केस में यहाँ पे ये जो ड्राइंग्स हैं दैट इज़ अगेंस्ट द करंट अकाउंट एंड नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन एज 15% पर एनम. फर्स्ट मई 2018 को 2000 रुपीज़, फर्स्ट अगस्त को 5000 रुपीज़, 30th सितंबर को 2000 रुपीज़, 31st जैन को 6000 रुपीज़ और 31st मार्च को 2000 रुपीज़. तो अगर मैं फर्स्ट मई वाला केस लेती हूँ तो उस केस में अगर मैंने 2000 रुपीज़ ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 11 मंथ्स का लगेगा. फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट मई को किया यानी अप्रैल महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट मई से लेके 31 मार्च तक में 11 मंथ्स होते हैं. तो ऑन 2000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 15% फॉर 11 आउट ऑफ 12 मंथ्स आई गेट रुपीज़ 275. दिस इज़ माई इंटरेस्ट. सिमिलरली आई कैलकुलेट फॉर अदर आइटम्स ऑल्सो. लाइक फर्स्ट ऑगस्ट के लिए, फर्स्ट ऑगस्ट आई विथड्रू 5000 रुपीज़. इस 5000 रुपीज़ पे मुझे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा फॉर 8 मंथ्स. सो इस मेथड से कैलकुलेट करने पे आई रिसीव रुपीज, आई बी चार्ज इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 500. सिमिलरली फॉर दीज थ्री आइटम्स ऑल्सो आई कैलकुलेट द इंटरेस्ट. इन सब का टोटल करने पे 1075. सो फॉर दिस पार्टनर the amount of interest that will be charged to him will be 1075. क्योंकि यहाँ पे सब amounts of withdrawal, सब amounts of drawing were different. Also the intervals was not regular, it was irregular. Therefore in that case हमने हर एक आइटम का कैलकुलेट किया है अलग अलग इंटरेस्ट एंड उसको टोटल करके हमने बताया है कि दैट इज़ द टोटल इंटरेस्ट ऑन drawings ऑन द पार्टनर्स drawings. बट ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे पार्टनर्स हर बार सेम ही अमाउंट विड्रॉ करते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड पे विड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल अ पार्टनर डिसाइडेड दैट ही विल बी विड्रॉइंग रुपीज़ 5000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ या फिर इन द मिडल ऑफ ईच मंथ या फिर एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो अगर मेरी ड्रॉइंग्स, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज़ यूनिफॉर्म 5000, 6000, 8000, 20000, whatever the amount is. Or the time interval between the two drawings is uniform. Maybe 1st of every month, maybe 15th of every month, maybe end of every month, maybe 1st of every quarter, end of every quarter, or maybe in the middle of every quarter. So in that case, we can use a very simple formula, which is known as average period. In that case, what I am going to do, interest on drawings, IOD here is interest on drawings will be total drawings into rate by 100 into average period by 12. तो यहाँ पे हम जितनी भी drawings हैं into rate by 100 into average period by 12 कर लेंगे. इसी को एक और तरीके से present किया जा सकता है. Instead of taking total drawings, as we know कि my drawings is uniform for all the period, so I can take the drawings as, maybe suppose the partner is withdrawing 5000 rupees per month, so total drawings will be 60000 for the year and per month drawings will be 5000. So I can write here 5000 into rate by 100 into average period jo hum yahan pe calculate karne wale hain aur divide by 12 jo hai, divide by 12 hum us case mein nahi karenge. Suppose the drawings are made in the beginning of every month. अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ जब ड्राइंग्स मेरे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में की जाती हैं, तो 1 जैन को जो मैंने ड्राइंग की है उस पर मुझे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा
फर्स्ट फेब को जो मैंने ड्राइंग की है उस पर 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. सिमिलरली फॉर फर्स्ट मार्च 10 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अप टू फर्स्ट दिसंबर को जो मैंने ड्राइंग्स की हैं उस पर मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. इन सब मंथ्स का मैं टोटल करूं तो टोटल मुझे 78 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा. 78 मंथ्स, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ जैन को विदड्रो किया था मैंने उस पर 12 मंथ का इंटरेस्ट लगा. तो दिस 78 इज आउट ऑफ 12 मंथ्स. इसको डिवाइड किया मैंने 12 मंथ से तो आई गॉट एन एवरेज पीरियड फैक्टर विच कम्स आउट टू बी 6.5 मंथ्स. इसी तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ फॉर द मिडल ऑफ द मंथ तो फिर द फैक्टर कम्स आउट टू बी 6 मंथ्स. इन सब का एक्चुअली टोटल करेंगे इन केस ऑफ मिडल ऑफ द मंथ यानी कि 15 जैन को अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे 12 की जगह पे आ जाएगा 11.5. अगर मैं फर्स्ट फेब को विड्रू करती हूँ तो यहाँ पे 11 की जगह पे आ जाएगा 10.5. उन सब को टोटल करेंगे तो यू विल गेट एन अमाउंट डिवाइड बाई 12, यू विल गेट 6. सिमिलरली फॉर द एंड ऑफ ईच मंथ अगर विड्रॉइंग्स की जा रही हैं तो द फैक्टर विल बी 5.5 मंथ्स. इट विल बी क्लियर विथ एग्जाम्पल दैट वी विल टेक अप इन सम टाइम. अगर क्वार्टर के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ड्राइंग्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर सपोज मैं कर रही हूँ तो फर्स्ट जैन को जो ड्राइंग्स की हैं उस पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लग रहा है. नेक्स्ट क्वार्टर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April, उस पर 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. फर्स्ट जुलाई को जो मैंने ड्राइंग्स की हैं उस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा. और फर्स्ट अक्टूबर दैट इज़ द लास्ट क्वार्टर उस पर अगर मैंने ड्राइंग्स की हैं तो उस पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा. तो टोटल मंथ्स विल बी 30 डिवाइड बाई 12, 2.5 मंथ्स. इसी तरीके से मैं मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल सकती हूँ, द फैक्टर विल बी 2. एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल सकती हूँ, फैक्टर विल बी 1.5. अगर केस ऐसा है कि मुझे विड्रॉवल डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन एंड उस केस में अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है तो मैं क्या अज्यूम करूँगी कि सारी की सारी ड्राइंग्स जो हैं वो मेरी मिडल ऑफ द मंथ में की जाती हैं और जो ड्राइंग्स हैं वो एक साथ में नहीं कर रहा है पार्टनर बल्कि इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहा है और मिडल ऑफ ईच मंथ में कर रहा है. सो इन दैट केस आई टेक अप द फैक्टर एज 6 मंथ्स. अगर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि पार्टनर्स की ड्राइंग सपोज 30,000 है फॉर फुल ईयर तो मैं ये अज्यूम करूँगी वो उसने एक साथ में नहीं की है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके की है और वो एक और ये वाले जो ड्राइंग्स हैं उसने मिडल ऑफ ईच मंथ में किया है अगर कुछ नहीं दिया है तो. ओके, दैट इज अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IUD हियर स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अनन्या ट्रेडिंग विद द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स. केस वन दिया है इफ़ पार्टनर विड्रॉवल इज ₹5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. तो हमें याद होना चाहिए फैक्टर था मेरा 6.5, मैंने यहाँ पे ले लिया पर मंथ की ड्राइंग्स 5,000 इनटू फैक्टर बाय रेट. इसकी जगह पे मैं ऐसा भी कर सकती हूँ टोटल ड्राइंग्स मेरी हो जाती है 60,000 यानी कि 5,000 इंटू 12 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 जैसे कि मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था. टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 एवरेज पीरियड बाय 12 सो दैट विल बी 60,000 इंटू 6.5 बाय 12 इंटू 10 बाय 100. इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट आंसर एज 3,250 और एल्स यू कैन टेक द ड्राइंग्स पार्ट जो एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड की गई है into the factor into rate then also you will get 3250. both the things are same actually here you are multiplying in the case where the formula was given or we are following the formula strictly so this will be 5000 into 12 into 6.5 divide by 12 12 12 yahan pe cancel ho jata hai to answer remains the same. second case if a partner withdraws 5000 sorry 5000 rupees at the end of each month. तो फैक्टर वॉज 5.5
So it will be 5000 into 5.5 into rate 10 by 100. It comes out to be 2750. Similarly, third case, if partner withdrew rupees 5000 in the middle of each quarter. Middle of each quarter ke liye hamare paas mein factor tha 2. 5000 into 2 into rate comes out to be rupees 1000. Interest on capital. Jis tarike se interest on drawings ke liye hum average period calculate karte hain, similarly interest on capital bhi ho sakta hai. So in that case, suppose aapke partner ko ye kaha, ek case hum le lete hain, case 1, when partnership deed is not present or if present it is silent, kuch kaha nahi hai.